अपने दिल्ली के कुछ किसान मुझसे मिलने के लिए आए थे बहुत दुखी थे उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं मैं अपने दिल्ली के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मैं हूं ना आपकी सरकार है ना, हम आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं आपकी सरकार हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी है पिछले पाँच छः सात साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में जब जब ऐसे मौके आए जब किसी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई आपकी सरकार ने आगे बढ़ के आपका साथ दिया हमने हर बार पचास हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया अपने किसान भाइयों को पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा आई है कहीं पे आठ हज़ार रुपये देते हैं कहीं पे दस हज़ार रुपये देते हैं आपकी सरकार ने पचास हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया और केवल घोषणा नहीं की हम कोशिश करते हैं कि घोषणा करने के महीने दो महीने तीन महीने के अंदर सबके अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो मैंने इस बार भी आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन जिन किसान भाइयों की फ़सलें बर्बाद हुई हैं उनको पचास हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा मैंने ऑर्डर कर दिए हैं सभी एस डी जो है वो पैमाइश कर रहे हैं कहाँ कहाँ फ़सलें बर्बाद हुई हैं काम चालू हो गया है मुझे उम्मीद है कि दो हफ्ते के अंदर हम सारी पैमाइश वग़ैरह सर्वे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको जल्द से जल्द अगले महीने डेढ़ महीने के अंदर हम आपको आपका मुआवजा आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा फिर से मैं अपने सारे दिल्ली के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं आपका बेटा आपके साथ खड़ा है आप दुखी ना हों मैं समझता हूं आपकी फसलें अगर बर्बाद हुई हैं एक किसान की किसान फसल ना लगाए उसमें भी उसको तकलीफ़ तो होती है लेकिन उतनी तकलीफ़ नहीं होती लेकिन अगर फसल लगाए पैसा खर्च दे खाद लगाए बीज लगाए सारा इन्वेस्टमेंट हो जाए और फिर फसल बर्बाद हो जाए तो वो किसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है उसने कहीं से लोन ले रखा होता है लोन वापस करने लायक नहीं बचता तो आप बिल्कुल दुखी ना हो हम लोग हैं आपके साथ और आपका पूरा मुआवजा हम आपको जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे नमस्कार